नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा जो सेशन है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। तो आइए जानते हैं क्या है मनोसामाजिक सिद्धांत और यह जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो यह जो सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट, यह सिद्धांत दिया था इरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य था बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग जो पूरा जीवन है वो 8 स्टेप से होकर गुजरता है। पहला जो स्टेप है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। यह जो अवस्था है वो होती है 0 से 1.5 या 2 वर्ष के बीच। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है, क्योंकि घरों में देखने को मिलता है कि बच्चों को माता पिता से बहुत ज़्यादा स्नेह मिलता है, तो उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिलता वह रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। यह जो अवस्था होती है वो 0 से 1.5 या 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है स्वायत्तता बनाम शर्म, लज्जा, शक। यह जो अवस्था है वो होती है 1.5 से 2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच। स्वायत्तता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, तो यह स्वायत्तता कहलाता है। जैसे बच्चा जो है वो खुद से खाना खाना प्रारंभ कर देता है, खुद से कपड़ा पहनना प्रारंभ कर देता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वे बच्चे अंदर ही अंदर शक का अनुभव करने लगते हैं। तीसरा है पहल बनाम दोष। यह जो अवस्था होती है वो होती है 3 से 6 वर्ष के बीच। जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उनमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है किसी चीज़ को जानने के लिए। उत्सुक होने की वजह से वह प्रश्न करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को, उसके प्रश्न को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं, तो उनमें दोष भाव जो है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा किसी चीज़ को देखेगा, जैसे खिलौने को ही देखेगा, वो पूछेगा ये क्या है, ये कहाँ से आया, तो हम उसे बताएंगे कि ये चीज़ है, और अगर हम उसे नहीं बताएं, डांट दिए, तो बच्चा जो है वहीं से उसके मन में जो है दोष भाव प्रकट होना शुरू हो जाता है। तीसरा है परिश्रम बनाम हीनता। यह अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष के बीच, जिसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है और इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इससे उनमें हीनता जो है वो आनी शुरू हो जाती है। पांचवी जो अवस्था है वह है पहचान बनाम भ्रांति। यह अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष के बीच। इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, इसीलिए इस अवस्था को पहचान बनाम भ्रांति बोला गया है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं कर पाते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं। छठवा है आत्मीयता बनाम अलगाव। यह अवस्था होती है 18 से 35 वर्ष के बीच। आत्मीयता में आदमी जो है दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहा जाता है। सातवां है जननात्मकता बनाम स्थिरता। यह जो अवस्था होती है वो होती है 35 से 65 वर्ष के बीच। जननात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब बच्चे लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें स्थिरता आ जाती है। आठवां है संपूर्णता बनाम निराशा 65 से ऊपर। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं जो है वो पूर्ण हो चुकी रहती है। अब वह अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है कि उस समय क्या हुआ था, उस समय ऐसा होता था। घर में आपने देखा होगा कि जो दादा दादी लोग हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, हम लोग ऐसे नहीं रहते थे। तो ये जो अवस्था है वो है संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्ण हो जा रहती है, कोई इच्छा नहीं रहती है और निराशा भी आ जाती है। यह था मनोसामाजिक सिद्धांत। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। और स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।